जिले के मस्तूरी में बच्चे मिले पर शिक्षक कक्षा से नजरत थे तो कहीं शिक्षक सोते हुए नजर आए। ऐसे में कक्षाएं भगवान भरोसे संचालित हो रही है। मस्तूरी विकासखंड के स्थित प्राथमिक शाला सरिस्दा में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। शिक्षिका मंजू राज कक्षा दूसरी तीसरी बगल में बने कमरे में सोती रही। मैडम को जब शिक्षक ने 2 से 3 बार आवाज लगाई तब भी मैडम गहरी नींद में सोती रही। वहीं पत्रकार के फोटो खींचने पर वो हड़बड़ा कर उठी और कहने लगी कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, और वो बात को टालती रही और तभी फिर आंख लग गई। सोई नहीं थी, हाँ दवा खा के थोड़ा सा सिर को टेकी थी हाथ में और सोई नहीं थी, सोई तो नहीं थी। ठीक है, तो 2 बार सर आवाज भी, उसके बाद भी नहीं सुन रहे थे तो फिर सर ने 2 बार आवाज लगाए, 2-3 बार मैडम मैडम तो नहीं सुन नहीं पाई ना, सुन नहीं पाई होगी, हो सकता है। मैडम मोबाइल नहीं चला रही सर, कहाँ मोबाइल चला रही है? हमारे पास वीडियो भी है इसकी। हम नहीं, मोबाइल कहाँ चला रही थी सर, वो आराम कर रही थी ना। वो कौन सी क्लास है वो? पहली दूसरी है सर। लंच स्पोर्ट्स का टाइम क्या था और कितने बजे से क्लास लगता है सर? वो 5 मिनट की रिसेस दिया जाता है सर, बच्चे लोग क्या बोलते हैं जो छुट्टी मांगते हैं रिसेस का, तो उतने समय रिसेस दिया गया था। हेडमास्टर ही बता पाएंगे क्या है करके, और संबंधित टीचर को पूछ लेंगे कि भाई आप उस तारीख को इतना बजे हमारे पत्रकार लोग गए हैं, उस समय कैसे आप जगाने के बाद भी नहीं जगे, तो कारण अपन पता कर लेते हैं किस कारण से सोई थी। क्या कार्रवाई हो सकता है अगर इसमें ऐसा पाया जाता है? अगर क्लासरूम में सोते हुए पाए जाते हैं तो उसकी लापरवाही है, उस पर एक्शन करेंगे। अंबिकापुर पहुंचे मंत्री।